हेलो भाई दोस्तों, क्या हाल है? और भाई 10 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और जो हमारी क्लास लगती है कॉलेज में वो 9 बजे से लगती है। पर यार एक तो सर्दी हो रही है, तो सर्दी में कंबल में ना बाहर निकलने का मन नहीं करता यार। और आपको मैं बता दूं, एक मैं थोड़ा पहला पीरियड छोड़ देता हूँ कॉलेज में, कम ही जाता हूँ मैं, लेट ही जाता हूँ हमेशा से, क्योंकि कॉलेज का भी कुछ ठंडा थोड़ा स्कूल से अलग रहता है। जब हम स्कूल में थे तो भाई पहले चले जाते थे क्लास में, और कॉलेज में भाई ऐसा नहीं होता। कॉलेज में जिसका जब मूड आ रहा बस तक आगे वो भग जाते हैं। अब देख लो मेरा रूममेट है भाई, ये जो ये है देखो, ये रूममेट है, ये सिविल का है भाई, और ये मेरा वाला बेड है, और ये जो बंदा है ये सिविल ब्रांच का है, तो ये पहली चलाया है क्लास। ये इलेक्ट्रिकल का है भाई, ये वाला बंदा जो है ये भी क्लास से लगा है, ये पढ़ने में भाई ये टॉपर है अपनी क्लास का ये। तो भाई ये तो क्लास चले जाते हैं, दोनों टाइम पे चले जाते हैं, पर मैं पहला पीरियड छोड़ देता हूँ। दोस्तों अब मैं भाई जल्दी से तैयार हो लेता हूँ क्लास के लिए, ब्रश वरश करके। हालांकि मैं नहा के नहीं जाता क्लास में, सुबह के टाइम ऐसे यूनिफॉर्म लगा के भाग जाता हूँ। तो मैं क्लास में पहुँच के आज आप लोगों को अपनी क्लास दिखाऊंगा, और अपने भाई क्लासमेट से भी मिलवाऊंगा, और आप लोगों को आज बड़ा मजा आएगा। भाई तुम्हारा भाई तैयार हो गया कॉलेज के लिए कोट वोट लगा के, तो भाई देख लो कैसा लग रहा हूँ मैं। हालांकि इतना स्मार्ट नहीं हूँ यार मैं। चलो भाई अब कॉलेज चलते हैं और देखते हैं जाके अब किस चीज का लेक्चर है फिलहाल। और कॉलेज दोस्तों ये पीछे दिख रहा है ना आपको, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा दिख रही होगी आप लोगों को, भाई यही है मेरा कॉलेज ये पीछे, तो ज्यादा दूर नहीं है। भाई दोस्तों देखो, जो आपको ये सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ये भाई मेरे कॉलेज की एक बिल्डिंग है, और इस वाली बिल्डिंग में सिर्फ सिविल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट ही पढ़ाई करते हैं। और भाई अगर किसी को मैकेनिकल से या दूसरी ब्रांच से बीटेक करना है इलेक्ट्रिकल से, तो उनकी दूसरी बिल्डिंग है। भाई कॉलेज के अंदर हमने एंट्री कर ली है, और हमारी क्लासरूम भी बस आने वाली है। आज तो बहुत ही बुरे वाला कट गया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो भाई पहले आप क्लास देख लो, फिर आपको कांड बताऊंगा क्या हुआ है मेरे साथ। तो भाई ये हमारी क्लास है देख लो, क्लास तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे सर पढ़ाते हैं पीछे, और भाई मैं यहाँ पे बैठता हूँ इस वाली सीट पे, सेकंड पे। भाई आज पूरी क्लास मेरी बंक पे गई हुई है, और भाई मैं सो रहा था व्हाट्सएप पे, हालांकि मैसेज आया था मैंने वो चेक नहीं किया, और मैं ऐसी व्लॉग बनाने के चक्कर में यूनिफॉर्म पहन के जल्दी जल्दी आ गया। तो भाई अब क्लास तो बंद है, अब रूम पे चलता हूँ। हालांकि नीचे गेट पे गार्ड खड़ा होगा, वो अलाउ नहीं करता बाहर निकलने के लिए, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा अगर बाहर निकल गया, वरना आज तो मैं फंस गया ही कॉलेज के अंदर ही। भाई दोस्तों सामने जो आप देख रहे हो ना, जहाँ पे स्टूडेंट खड़े हुए हैं, यहीं पे दोस्तों वो गार्ड बैठा रहता है, और वो बाहर नहीं जाने देता। वो परमिशन जब ही देता है बाहर जाने की, अगर किसी के पास एप्लीकेशन हो तो। भाई वो क्लास टीचर से सिग्नेचर कराने पड़ते हैं एप्लीकेशन पे,
तो इसको जमा कर दो तो ये बाहर जाने दे देगा, वरना भाई ये बाहर नहीं जाने देता। पर मैं भाई आराम से निकल गया चुप। भाई दोस्तों मैं अपने हॉस्टल में आ गया और मेरा जो रूम है ना दोस्तों वो थर्ड फ्लोर पे है, मतलब बहुत ऊपर है, काफ़ी ऊपर, और रूम नंबर 327 है भाई मेरा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। पर दोस्तों हॉस्टल में क्या प्रॉब्लम है, जिस रूम का लॉक खुला रहता है उसमें दोस्तों वार्डन आ जाता है चेक करने के लिए, बीच बीच में हॉस्टल चेक करने के लिए आता है वार्डन की रूम पे तो नहीं है स्टूडेंट, तो उनको उठा के भगा देता है या फिर उनकी क्लास में उनके क्लास टीचर को फ़ोन कर देता है। तो भाई देखते हैं कुछ पंगा तो नहीं होता। तो भाई बंक मारना भी थोड़ा प्यारा काम है मेरे वाले कॉलेज में, और भाई जो बंक मारते हैं ना वो कैंपस से बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। वैसे भाई कॉलेज में बंक मारना कोई बड़ी बात नहीं होती, और ख़ासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में। भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो देख बहुत बंक मारते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बंक ही बंक मार रहे हैं, भाई पढ़ाई भी बहुत करते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि भाई सभी को इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जानी होती है, और भाई वो डिग्री तब तक नहीं मिलती जब तक हम सारे सब्जेक्ट क्लियर ना कर लें। और भाई इंजीनियरिंग में 4 साल में आप लोगों को मैं बता दूं 48 सब्जेक्ट होते हैं, 48 के 48 क्लियर करने के बाद हमें डिग्री मिलती है, उसके बाद ही जॉब मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि बंक ही बंक मार रहे हैं, वो भाई पढ़ाई का बहुत डिप्रेशन भी होता है और थोड़ा मौज मस्ती का भी मन करता है, इसलिए बंक मार लेते हैं बीच बीच में। और दोस्तों आपको मैं अभी रूम दिखाऊंगा, आगे बस थोड़ा रूम है मेरा। और भाई आप लोगों को दोस्तों वीडियो तो आज की बहुत ही बढ़िया लगी होगी मेरी, मैं सोच रहा था आप लोगों को इस वीडियो में और कुछ भी दिखाऊं अपनी कॉलेज का, और भी बहुत कुछ दिखाऊं। तो भाई अगली वीडियो में बना के आप लोगों को बहुत जल्दी सब कुछ अपने कॉलेज के बारे में दिखाने और बताने वाला हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है भाई दोस्तों कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो भाई सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और चलो मैं थोड़ा सा और दिखा दूं आप लोगों को। देखो भाई ये जाल लग रहे हैं ना मेरे हॉस्टल में, देखो जाल लग रहे हैं, देखो इधर भी दिखा दूं, इधर भी देखो सारे में जाल लग रहे हैं। ये भाई इसलिए लग रहे हैं कोई बंदा डिप्रेशन में कूद ना जाए ऊपर से, क्योंकि भाई जब रिजल्ट आता है ना सेमिस्टर का तो बहुत बैके लगती हैं, क्योंकि भाई एक सेमिस्टर में 4 ही महीने मिलते हैं बस पढ़ाई करने के, और 4 महीने में 7-8 सब्जेक्ट झेलने होते हैं, तो भाई बहुत बड़ा काम होता है। और उस बीच में 2 बार कॉलेज के एग्ज़ाम, 1 बार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, 2 बार कॉलेज के इंटरनल होते हैं, फिर एक्सटर्नल होते हैं यूनिवर्सिटी का, इतने सारे काम करो, असाइनमेंट करो यार बहुत सारे, और लैब रिकॉर्ड बनाओ, और वो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, पढ़ाई करें या ये फालतू के काम करें, इसलिए यार बहुत ही टफ काम होता है। तो ये जाल इसीलिए लगाए हुए हैं कि कोई बंदा कूद ना जाए ऊपर से, हालांकि अभी तक तो हमारे कॉलेज में से कोई नहीं कूदा, पर फ्यूचर में भी ऐसा ना हो भाई मैं तो यही बोलूँगा। तो चलो मैं आप लोगों को अब अपना रूम दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा चलने के बाद ना यहीं आगे मेरा रूम आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी, मज़ा आया होगा, और दोस्तों इंजीनियरिंग लाइफ से जुड़ी हुई मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो फिर तो भाई आप ज़रूर करो चैनल हमारा सब्सक्राइब। और दोस्तों ठीक है, मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, और इस बार मैं सोच रहा कि बहुत ही अच्छी और उसमें सब कुछ आप लोगों को बताऊँ अच्छे से, तो इस तरीके की वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। कमेंट कर दो, आपका कोई क्वेश्चन हो आइडिया दो मुझे किस तरीके की वीडियो बनाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में।